हमें सैमसंग के स्मार्ट टीवी में अलग अलग वेरिएंट्स में बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर मिलते हैं। जैसे कि स्पेशली सैमसंग फ्रेम टीवी में हमें आर्ट मोड मिलता है, लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि उस आर्ट मोड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं तो उस टीवी का कोई यूज़ ही नहीं रहता। इसलिए हम आज की शोड में ये जानने वाले कि आप उस आर्ट मोड को कैसे यूज़ कर सकते हो, उसकी जो मेम्बरशिप है जो सैमसंग कंपनी मेम्बरशिप प्रोवाइड कराती है उसे आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, लाइफ टाइम मेम्बरशिप कैसे ले सकते हो, साथ ही अलग अलग सेटिंग आप आर्ट मोड में कैसे कर सकते हो, ब्राइटनेस कैसे सेट कर सकते हो, कलर तुम कैसे सेट कर सकते हो, मोशंस कैसे सेट कर सकते हो, और बढ़िया तरीके से आप जो आर्ट मोड में हमें कलेक्शन मिलता है वो कैसे एकदम बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो पूरी जानकारी हम आज की इस वीडियो में लेने वाले। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सैमसंग फ्रेम टीवी में हमें यूजुअली दो मोड मिलते हैं, एक टीवी मोड और दूसरा आर्ट मोड। एक वक्त पर हम सिर्फ एक ही मोड यूज़ कर सकते हैं। जब हम एक मोड यूज़ करें तो दूसरा मोड ऑफ रहना चाहिए। जैसे कि हम टीवी मोड यूज़ कर रहे हैं तो आर्ट मोड ऑफ होना चाहिए, और जब हम आर्ट मोड यूज़ कर रहे हैं तो टीवी मोड जो है वो ऑफ होना चाहिए। इसी की वजह से हम हमारे टीवी को जो बेस्ट तरीके से यूज़ कर पाते। जब भी हम आर्ट मोड को यूज़ करें तो उसमें हम ब्राइटनेस, हमारे कलर, जो आर्ट्स के कलर से जो डिस्प्ले कलर से उसे ईजिली चेंज कर सकते हैं। फ्रेम टीवी में आर्ट्स को यूज़ करने के लिए हमारे सैमसंग में हमें एक स्पेशल सैमसंग कलेक्शन मिलता है जिसकी मदद से हम अलग अलग आर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करना भी बहुत ही ईजी है। जब हम हमारे टीवी के आर्ट मोड में हो तो हम इजीली लेफ्ट राइट या जो भी हमारे मनपसंद आर्ट्स है, जो भी मनपसंद हमारे फोटोज़ है उसे भी इजीली सेट करके चेंज कर सकते हैं। ये जो सैमसंग कलेक्शन है उसमें अलग अलग वैरायटी या अलग अलग तरीके से जो फेवरेट जो हमारे अट्रैक्टिव वॉलपेपर्स है, जो अट्रैक्टिव आर्ट्स है, वो भी हम इजीली ब्राउज करके उन्हें सेव कर सकते हैं। सैमसंग फ्रेम टीवी में आप इजीली अपने मनपसंद या जो आपके पर्सनल फोटोज है, जो आपने अपने स्मार्टफोन में सेव किए या स्मार्टफोन की गैलरी में जो फोटोज़ आपने सेव किए उन्हें भी इजीली आपके टीवी पर अपलोड करके रख सकते हो। इसके लिए आपका जो स्मार्टफोन है उसे इजीली आप अपने स्मार्ट टीवी के साथ यूएसबी के जरिए कनेक्ट कर सकते हो, और कनेक्ट करने के बाद वो फोटोज़ आप वन कनेक्ट बॉक्स के साथ मिलकर उसे स्मार्ट टीवी पर चला सकते हो, एज अ फ्रेम, एज अ आर्ट उसे यूज़ कर सकते हो। कौन सा भी आपका पर्सनल जो फोटो है उसे भी आप इजीली आपके जो स्मार्ट टीवी का जो रिमोट है उससे भी इजीली ऑपरेट करके उसे प्रेस करके आप एज अ फ्रेम सेट करके रख सकते हो। आपके सैमसंग टीवी का जो रिमोट है उस पर जो डायरेक्शन पैड है, जैसे कि ऊपर जाना है तो ऊपर का आप बटन प्रेस करते हैं या लेफ्ट या राइट या डाउन, ऐसे जो डायरेक्शन पैड्स आपको मिलते हैं वो बटन्स यूज़ करके आप जो मनपसंद फोटो आपको इंपोर्ट करना है उसे भी आप फोटो को इंपोर्ट कर सकते हैं, इमेजेस को मूव कर सकते हैं, उन इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें सेव भी कर सकते हैं और उनको फिर आपके स्क्रीन पर एडजस्ट करके एकदम ब्यूटीफुल तरीके से सेट भी कर सकते हैं। जब भी आप अपने फ्रेम टीवी में आर्ट मोड यूज़ कर रहे हो तो आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इमेज इंपोर्ट करा रहे हो या आपने आपके स्मार्ट टीवी में यूएसबी लगाया है, स्मार्टफोन से आप इमेज इनपुट कर रहे हो यूएसबी के थ्रू, तो जब तक पूरी फोटो सेव नहीं हो जाती तब तक आप वो जो यूएसबी उसे मत निकालना। उससे क्या होगा, वो जो फोटो है वो पूरी तरीके से आपके स्मार्ट टीवी में सेव नहीं हो पाएगी और जो उसकी क्लैरिटी वो भी बढ़िया तरीके से स्मार्ट टीवी में हमें नहीं दिखाई देगी। जो इमेजेस आपने अपने स्मार्ट टीवी में इंपोर्ट किए उन्हें देखने के लिए आपको अपने स्मार्ट टीवी के माय कलेक्शन पर जाना है। माय कलेक्शन ऑप्शन पर जाने के बाद आपको माय फोटोज पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपने जितनी भी इमेजेस अभी तक इंपोर्ट किए वो सारी दिखाई देगी और उस इमेजेस को भी आप इजीली यूज़ करके एज अ फ्रेम, एज अ आर्ट उन्हें अपने टीवी पर सेट करके रख सकते हो। अगर आपको सैमसंग फ्रेम टीवी में जो आर्ट मोड है उसे परचेस करना है तो इजीली आप आपके आर्ट स्टोर में जाकर उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो या उसे परचेस भी कर सकते हो। इससे आपको लाइफ टाइम मेम्बरशिप या जो अनलिमिटेड एक्सेस है वो मिल जाता है। उसके लिए आपको आर्ट स्टोर पर क्लिक करना है और मेंबरशिप पर क्लिक करना है। उसके बाद आप मेंबरशिप पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा और जो उसका जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है, जो फ्रेम टीवी के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज होगा वो आपको सैमसंग को देना होगा। उससे आपको जो है एक अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। उससे आप जो भी चाहे आपका जो मनपसंद आर्ट है उसे भी ईजिली यूज़ करके एज अ फ्रेम, एज अ आर्ट आप अपने टीवी पर सेट करके रख सकते हो। हमें इन आर्ट्स में कुछ स्पेशल कैटेगरीज भी मिलती है, मतलब हम हमारे मन के हिसाब से या हमारे मनपसंद जो कैटेगरी जैसा चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो कौन सा भी आर्ट के लिए हमें एक स्पेशल कैटेगरी चाहिए उसके हिसाब से भी हम हमारा मनपसंद आर्ट चूज करके उन्हें बाय कर सकते हैं। अगर आपको बाय नहीं करना तो उन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं, तो इजीली आप जो चाहे वो मनपसंद आर्ट वो सेव करके रख सकते हो। अगर आपको आपके फ्रेम टीवी में अलग अलग मैटर स्टाइल और अलग अलग कलर्स भी सेव करके रख रहे हो
तो उससे भी आपका टीवी जो है वो एकदम अट्रैक्टिव लगेगा। इससे क्या होगा, ये आर्ट से थोड़ा अलग होगा, इससे आपको जो आर्ट्स का जो बैकग्राउंड है वो और ज़्यादा बढ़िया और बेहतर तरीके से निखर कर आएगा। इसे यूज़ करने के लिए आप आपके स्मार्ट टीवी में एंटर करें, एंटर करने के बाद ये जो आपके रिमोट है उससे आपको अप बटन प्रेस करना है। अप बटन प्रेस करने के बाद सिलेक्ट मैटर पर जाना है। सिलेक्ट मैटर जब आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट मैटर जाने के बाद आपको जो मनपसंद मैटर है जो अलग अलग डिजाइन वहाँ पर हमें दिखाई देती है उससे आपको सिलेक्ट करना है। जो अलग अलग स्टाइल से वो भी हमें वहाँ पर दिखाई देती है, तो वो जब आप सिलेक्ट करेंगे तो उससे सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको डायरेक्शन पैड जो हमें अप डाउन राइट लेफ्ट जो मिलते हैं उससे आप नीचे आकर या वहाँ पर आपको अगर सेव बटन दिखाई देता तो वहाँ पर इजीली सेव करके आप एज अ फ्रेम एज अ आर्ट उसे इजीली सेव करके रख सकते हो। हम हमारे फ्रेम टीवी में आर्ट मोड की जो सेटिंग है उसे भी अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं, जो आर्ट से उसे बेहतर तरीके से और बढ़िया तरीके से भी सेट करके रख सकते हैं। इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन में या स्मार्ट टीवी में स्मार्ट थिंग या जो सैमसंग का ऑफिशियल ऐप है वो डाउनलोड करके रख सकते हो। यह ऐप को आप इजीली यूज़ कर सकते हो, आपके स्मार्ट टीवी के जरिए भी यूज़ कर सकते हो या आपके स्मार्टफोन के जरिए भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको अलग अलग एडजस्ट या जो सेटिंग्स है उसे से चेंज करना हो, जैसे ब्राइटनेस चेंज करनी हो या आपका जो इमेज का कलर टोन है उसे चेंज करना हो या नाइट मोड जो हमें फीचर मिलता है उसे चेंज करना हो तो भी आप इजीली चेंज कर सकते हो। नाइट मोड फीचर जो फीचर है उसे एक्टिवेट करने से आपकी जो फ्रेम टीवी ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगी, और जो स्लीप आफ्टर यह फीचर है वो आप जब इनेबल करते हो तो आपकी जो मोशन है वो डिटेक्ट होगी, उसके हिसाब से आपको जो टीवी है वो वर्क करेगा। लास्ट में हमें एक और सेटिंग मिलती है जो कि मोशन डिटेक्शन सेंसिटिविटी। ये जो सेंसिटिविटी उसकी मदद से जब आप टीवी के सामने ना हो तो आपका जो टीवी है वो भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये मोशन के मतलब जब आप टीवी के सामने हो तो ऑटोमेटिकली ऑन भी होगा और ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगा। जब ये टीवी आर्ट मोड में है तब ये होगा, या जब ये टीवी नॉर्मल मोड में हो तब ये मोड नहीं चलेगा, क्योंकि ये मोड स्पेशली आर्ट मोड के लिए बनाए गए हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव तो मुझे कमेंट करना ना भूले। अगर आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो जल्दी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।